मेरे को बिल्कुल भी अभी कोई भी हरकत नहीं चाहिए, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है, मार्क्स वेटेज। ठीक है, जो कुछ भी कोई हरकतें कर रहा है वो छोड़ दो उधर बेटा, हो फोन पे, हो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सो पहले तो कंपनीज एक्ट का बेटा 70 मार्क्स का है, बराबर है। इंस्टीट्यूट इतनी बेकारी है कि वो 70 मार्क्स के अंदर वो परसेंटेज लिखे है, मार्क्स क्यों नहीं लिखे मेरे को समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल डिबेंचर, पहले 4 चैप्टर का बेटा इज 30%, 70% ऑफ द 30%, या 30% ऑफ 70 मार्क्स इज 21, मतलब 16 से लेके 21 मार्क्स के लिए पहले 4 चैप्टर शेयर कैपिटल डिबेंचर तक। ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर डालने की क्या जरूरत थी, अब उसको मतलब उन्होंने सेक्शन वाइज ऐसा सिचुएशन किया है ना कि तुमको झक मार के सब चैप्टर पढ़ने हैं। अगर यहां मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहता तो इसका बेटा 4 से 10% रहता, तो इसको ऑप्शन में छोड़ सकते थे, पर अब उसमें मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डाल दिया तो अब तुमको झक मार के चार्जेस और डिपॉजिट भी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना, क्योंकि वो नेवर नो कि 25 से 30% मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का है। तो अब 30% मतलब 7 तारीख 21, तो इसका भी 16 से 21, मतलब सोचो चार्जेस जैसा चैप्टर जिसमें 10 सेक्शन है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जैसा चैप्टर जिसके अंदर 5 सेक्शन है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 35 सेक्शन, 45 और 5 50 सेक्शन, इधर भी शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर तक के 50 सेक्शन है, तो उन्होंने बराबर एकदम मतलब तुम्हारे दिमाग तुम क्या करोगे ऑप्शन में क्या छोड़ोगे उसके हिसाब से वेटेज दिया है। फिर डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अपना हो चुका है, अकाउंट्स का 137 वगैरह हो चुका है, ऑडिट एंड फॉरेन कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी भी चैप्टर है अपने को, मेरे को ऐसा लग रहा था उसका 4 मार्क का वेटेज रखेंगे बिकॉज उन्होंने चारों को मिलकर 35% दिया, मतलब 24 मार्क्स के लिए यह 4 चैप्टर है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 20% वेटेज है यार, फाउंडेशन वाला चैप्टर है वो, मतलब अब उसको भी तुमको घोट के कर पढ़ना पड़ेगा बिकॉज 14 मार्क्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के है। अरे नहीं बाबा, अदर लॉ ये इधर है, ये चीचा गुड मॉर्निंग, अदर लॉ 30 मार्क का ये है, LLP इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स, तो LLP 20% वेटेज, मतलब 14-15% भी अगर अपन ने कंसिडर किया LLP पेसिमिस्टिकली तो कितना 10 मार्क्स से लेके 14 मार्क का वेटेज LLP का है, मतलब ऑप्शन में छोड़ने लायक। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर आप देखोगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 35 से 40% 30 मार्क का, तो भिखारी लॉ है ये जानबूझ के किया है, ये टॉर्चरस चीज की है। 40% मतलब आप सोच लो 30 मार्क का 40% 12 मार्क का जनरल क्लॉजेस एक्ट है, और उतने ही मार्क्स का फेमा है। फेमा में और जनरल क्लॉजेस में जमीन आसमान का फर्क है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 25 से 30 मार्क, मतलब जिनमें मार्क्स कमाने के चांसेस थोड़े हैं, जैसे फेमा स्कोरिंग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है जनरल क्लॉजेस से, उसमें मार्क्स ही नहीं दिए हैं।